वेलकम टू E24 और मैं हूं ज्योति शर्मा और आज हमारे साथ वो ऑर्डिनरी गर्ल है जिसकी लुक्स को लेकर बहुत ही सिंपल कहा गया था लेकिन आज उसके एक्टिंग के चर्चे हर जगह पर है और बाला में जितना प्यार उन्हें मिला है वो किसी को उम्मीद नहीं थी, शायद उन्हें भी ना होगी। वेलकम यामी, जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक, फिल्में कम की हैं लेकिन जो किरदार निभाए हैं वो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए और स्ट्रॉन्ग है, लोगों के जहन में रहता है, चाहे वो काबिल हो, विकी डोनर का किरदार हो या सरकार में आपका किरदार हो। फिल्में कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती लेकिन जो किरदार होते हैं वो लोगों के जहन में होते हैं। आप उस वक्त क्या चल रहा होता है जब फिल्में चल रही होती है और लोगों को ये पसंद भी आती है, और उस वक्त क्या चल रहा होता है दिमाग में जब फिल्में नहीं चलती लेकिन किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग होता है? बहुत आई पर्सनली डोंट लाइक द वर्ड स्ट्रगल, मुझे कभी पसंद नहीं रहा। आई जस्ट फाइंड इट अ लिटल नेगेटिव, और मुझे कुछ भी चीज़ जो नेगेटिव से रेजोनेट करते हैं मुझे पसंद नहीं है लाइफ में। आई ऑलवेज बिलीव यस, एक जर्नी है जो काफ़ी चैलेंजेस से भरी हुई है, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। सिर्फ उसके मायने बदल जाएंगे, सिर्फ उसके फेसेस बदल जाएंगे, बट वो तो दैट्स अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, आपकी ज़िंदगी में भी होगा और एनीबडी इज इवन नॉट योर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। पर मैंने जब शुरुआत की थी अपनी इंडस्ट्री में, जिस एज पे मैं थी, जिस तरीके से खुद के बल पे, खुद के दम पे शुरुआत की है, यहाँ तक भी खुद के ही दम पर ही पहुँची हूँ। बाला का किरदार है, उसकी तारीफ हुई है, ऐसे और कौन कौन से किरदार हैं जो आप करना चाहती, क्योंकि काबिल में आपका जो किरदार था वो काफी अलग था, उरी में काफी अलग था, विकी डोनर में, जितने भी किरदार आप करते हो सारे अलग हैं। अब कौन सा ऐसा किरदार है जो आप खुद करना चाहती हैं कि मुझे ये किरदार निभाना है? नहीं, ये सारे भी मैं खुद ही करना चाहती थी। बहुत सारे जॉनर्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि मुझे हर किस्म की फिल्म देखना पसंद है। तो मैं एक मुझे एक वॉरियर प्रिंसेस का रोल तो डेफिनेटली करना है लाइफ में, कॉस्ट्यूम ड्रामा तो मुझे डेफिनेटली करना है, मुझे एक थ्रिलर फिल्म करनी है, मुझे आई वांट टू डू अ रोम कॉम ऑल्सो, आई वांट टू डू एवरी काइंड ऑफ रोल ऑनेस्टली, क्योंकि ये क्लीशे आंसर नहीं, ये सच है। आई थिंक उसी में मज़ा है कि आप कुछ ऐसा करें जो लोग सोचें कि अरे ये तो हमने अगेन सोचा ही नहीं कि आप ये कर सकते हो। तो दैट्स द होल आइडिया, टू शॉक द ऑडियंस, टू शॉक एवरीबडी। अदरवाइज अगर वही कुछ भी प्रिडिक्टेबल होगा, हाँ हर बार शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, बट कोशिश पूरी रहेगी। आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट जब आपकी फिल्म सक्सेसफुल होती है, कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं आगे आपके फिल्म में जो आप चूज़ करते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। क्योंकि आई डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क विद रियली गुड राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार जो जिनके पास एक कहानी है बोलने के लिए। मतलब यू कॉन्ट गारंटी योर फिल्म बींग सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, बट यू कैन डेफिनेटली गारंटी कि आप एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, अरे अच्छे अलग रोल करना चाहते हैं, चलो अब ये कर लिया, ये कर लिया, अब ये करके देखते हैं। एंड आई वुड वॉन्ट फिल्म मेकर्स, जो आपका पहला सवाल था ना उसका एक्चुअली वो मैंने आंसर इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या पोटेंशियल रखती हूँ, या शायद कि और कितना मैं खुद को स्ट्रेच कर सकती हूँ शायद मुझे भी नहीं पता होगा, बट आई नो मुझ में वो डिज़ायर है, वो पैशन है कि मुझे बहुत अलग अलग किस्म का काम करना है। बट टू मेक अ फिल्म मेकर बिलीव दैट आई कैन डू दिस, यस आई नीड एन उरी, आई नीडेड अ बाला फॉर पीपल टू लुक अप एंड नोटिस कि अच्छा, कि हमने शायद एक जो एक टिपिकल एक स्टीरियोटिपिकल एक नज़रिया होता है कि एक स्वीट है, एक सिंपल स्वीट गर्ल, हाँ आई एम दैट स्वीट सिंपल गर्ल, बट एज एन एक्टर देयर इज मच मोर। परी की बात हो रही है, परी इस फिल्म में गोरी दिखाई गई है, काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो स्किन वाइज बहुत फेयर है। वहीं दूसरा किरदार है जो सावला है, काला नहीं कहेंगे, सावला है। तो रियल लाइफ में भी इसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो गोरा है वो ब्यूटीफुल है, जो गोरा नहीं है वो ब्यूटीफुल नहीं है। सो आप इस चीज़ को कितना अग्री करती हैं, आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेके? आई थिंक इसीलिए फिल्में बाला जैसी फिल्में बनती हैं कि लोगों तक पहुँचाने के लिए बात की, जी नहीं ऐसा नहीं है, आपका कलर आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता, आपका आपका नज़रिया, आपका काम, आपकी सोच, वो आपकी पहचान है। और आई थिंक अगर आप ये पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एडवर्टिजमेंट्स एंड ऑल, आई थिंक ये नज़रिया बहुत स्ट्रांगली बदल रहा है, बदल गया है, जो बहुत अच्छी बात है। द होल आइडिया इज कि मार्केट में हज़ार तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप वही करिए जो आपको सूट करता है। आपको कोई क्रीम नहीं लगाना मत लगाइए, आपको
फेयर होना है, आपको आपको टैनिंग क्रीम लगाना है, आपको जो आपके लिए आपको सही लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो करिए. नोबडी शुड डिफाइन द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. यू डिफाइन एंड डिसाइड दैट फॉर योरसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.